नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर, यह मीरा भाईंदर महानगर पालिका का मुख्य कार्यालय और इसी मुख्य कार्यालय में ग्राउंड फ्लोर पर है पत्रकार कक्ष, जहां पर हर आम नागरिक हो या खास नागरिक हो, कोई भी हो, हर कोई यहां पर आकर पत्रकार परिषद में अपनी व्यथा सुना सकता है, अपने न्याय के बारे में कह सकता है, अपनी बात वो रख सकता है। यही वो जगह थी, लेकिन उस जगह पर अब मनपा प्रशासन ने तुगलकी फरमान निकाला है। मनपा प्रशासन के मुताबिक इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए यहाँ पर हर किसी पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो यहाँ पर कोई पत्रकार परिषद नहीं ले सकता है। एक तरह से ये तुगलकी फरमान है, तानाशाही है मनपा आयुक्त दिलीप भोले की, जिन्होंने यहाँ के पत्रकारों को नकेल कसने का ये ऐलान किया है। इस पूरे मामले में हमने कुछ पत्रकारों से बात की जो कई दशकों से यहाँ पर काम करते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार है, क्या कहना है उनका इस मनपा आयुक्त के तुगलकी फरमान को लेकर, आइए सुनते हैं। देखिए, पत्रकार कक्ष में पत्रकार परिषद पर पाबंदी लगाना पहली बात तो अलोकतांत्रिक है, इस तरह की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि मुंबई प्रेस क्लब में कई पत्रकार परिषद दिन भर में संपन्न हो ही रहे हैं। इन्होंने पत्रकार परिषद पर पाबंदी लगाने का जो कारण बताया है वो आप पीछे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू है इसके लिए पाबंदी लगाई गई, जबकि अभी तक कोई चुनाव प्रक्रिया डिक्लेयर हुई ही नहीं है। देखा जाए तो अभी भी सब कानूनी अड़चनों में अटकी हुई है चुनाव प्रक्रिया। तो ऐसे में जो पत्रकार कक्ष होता है, इसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी समस्या आकर पत्रकारों से बता सकता है, अपनी उसके ऊपर हो रहे अन्याय पत्रकारों के समक्ष रख सकता है, इसीलिए पत्रकार कक्ष बनाया जाता है। और इस तरह से पाबंदी लगाना सरासर गलत है, अलोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये पाबंदी लगाई गई, मैं खुद यहाँ पर था, मौजूद था, उसमें एक राजनीतिक दल का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो महानगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार की पर्दाफाश पत्रकारों के समक्ष करना चाहता था। उस पर्दाफाश से घबरा करके मुझे लगता है कि प्रशासन ने यह निर्णय लिया, और इसमें कहीं ना कहीं सत्ताधारियों की भी अहम भूमिका रही है। एक तरह का आपातकाल है और इस आपातकाल पर राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया जगत की चुप्पी यह हैरान करने वाली है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक देश में यह ठीक नहीं है, इसे आप तानाशाही भी कह सकते हैं। पत्रकार कक्ष में पत्रकार बैठते हैं, खबरों को लेकर देश की समस्याएं, शहर की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, खबर लिखते हैं, और चाहे राजनीतिक दल है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन, आम आदमी अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। कुल पत्रकारों से कुछ लोग पत्रकारों से मिलके अपनी बातें रखते हैं, तो कुछ लोग पत्रकार परिषद लेके बातें रखते हैं। ये पाबंदी तो सबके ऊपर है। जब कोई राजनीतिक दल का या किसी कोई बड़ा नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आएगा, तब उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि आज एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया रोक लगाए, तो आप लोग जो है कि खामोश क्यों नहीं रहे? आपको तो बोलने पर प्रतिबंध है, यहाँ आप बोल नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं सकते। इस तरह का कभी हमने देखा नहीं। एक काला अध्याय है इस शहर में, और अब क्या बोलूं, एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, हुक्मशाही जो है ठीक नहीं है, और लोग इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये उससे बुरी बात है भाई। ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है। पत्रकार कक्ष में अगर पत्रकार परिषद नहीं लिया जाएगा तो पत्रकार परिषद कहाँ लिया जाएगा? होता क्या है कि पत्रकार कक्ष में ही सारे पत्रकार एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर समाचारों का आदान प्रदान करते हैं, और समाचारों का संकलन यहीं पर होता है। अगर पत्रकार परिषद यहाँ नहीं लिया जाएगा, कहीं और लिया जाएगा, तो वहाँ पे कुछ पत्रकारों को मैसेज मिलता है, कुछ पत्रकारों को मैसेज नहीं मिलता है, कुछ पत्रकार नहीं पहुँच पाते हैं, या जो पत्रकार वहाँ पहुँच पाते हैं वो न्यूज को वायरल नहीं कर पाते हैं। समाचार का मतलब होता है कि जब तक पब्लिक तक खबर नहीं जाएगी तब तक समाचार कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे जिस तरह से पाबंदी लगाई गई है कि सिर्फ मनपा अधिकारी या मनपा में कार्यरत जो भी पदाधिकारी हैं वही यहाँ पर पत्रकार परिषद ले सकते हैं, तो ये तो पूरी तरह से सरासर गलत है। क्योंकि सिर्फ मनपा तक ही ये शहर सीमित नहीं है, शहर तो आम जनता तक सीमित होना चाहिए, जन जन तक जाना चाहिए पूरी खबर, या जन जन की समस्या यहाँ आनी चाहिए, तब पूरा होता है। नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है पत्रकारिता के इतिहास में। यहाँ पे 2002 के बाद सबसे नगर पालिका महानगर पालिका गठन हुआ है, तब से आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक बात रहा कि तानाशाही, हमको लगता है कि शायद प्रशासन कुछ दबाव में काम कर रहा है, कि जैसा कि अभी एक मामला आया था भ्रष्टाचार का, कि कुछ भ्रष्टाचार उजागर करना चाहते थे कोई राजनीतिक पार्टी वाले, और एंड उसी टाइम में, उसी दिन ही
उनको रोकने के बाद में तुरंत यह आदेश जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है प्रशासन दबाव में काम कर रहे हैं। एक तरह से सीधे सीधे उसका रास्ता बंद करने की कोशिश किया गया है कि आम आदमी अपनी आवाज ना उठा सके, और इसका एक बहुत अटपटा सा बहाना दिया गया है कि चुनाव के वजह से, जबकि अभी चुनावी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक बार ऐसा मामला आता, तभी भी मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी चुनावी प्रक्रिया के बाद पत्रकार परिषद पर रोक नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी उस वक्त ऐसा आदेश दिया होता तो लोग कंफ्यूज होते कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी कोई चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, फिर भी एक ऐसा आदेश दिए हैं, तो इसको एक तरह से तानाशाही नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। प्रशासन ने जो निर्णय लिया वो तानाशाही जैसा निर्णय ही प्रतीत होता है, क्योंकि आम आदमी से लेके खास आदमी जो भी हो, अगर उसे अपनी बात जनता तक पहुंचानी है तो वो पत्रकारों का ही सहारा लेगा, और पत्रकार किसी राजनीतिक भूमिका से संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए पत्रकार कक्ष में इस तरह की पाबंदी बिल्कुल ही अनुचित है। नहीं, बिल्कुल प्रशासन से हम अपील करना चाहेंगे कि वो इस पाबंदी को तुरंत हटाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड गतिविधियां अगर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है तो इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अगर आप प्रतिबंध लगाते हो तो वो बिल्कुल ही उचित है। आज तक मुझे लगभग 25 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने तो कभी नहीं देखा कि प्रशासन ने यहाँ इस तरह की कोई पत्रकारों पे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रतिबंध लगाया हो। हो सकता है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कुछ इस तरह के मुद्दे उठाएंगे जिसमें भ्रष्टाचार हो और उसे निकालें, लोग उसको जानेंगे, तो नकेल कसने का एक कोशिश हो सकता है। पत्रकारों को इसके लिए मिलकर लड़ना चाहिए कि भाई आप इस तरह का, क्योंकि ये प्रेस रूम प्रेस को दिया हुआ है जहां पर प्रेस अपनी एक्टिविटीज करे, न कि प्रशासन अपनी एक्टिविटीज और अपना आदेश चलाए। जिस तरह से ये पाबंदी लगाई है, जो कारण बताया गया है महानगर पालिका प्रशासन की ओर से कि सार्वत्रिक निवडणूक 2022 के कुछ कामकाज की वजह से पत्रकार परिषद नहीं ले सकते, ये पहली बार आयुक्त ने मतलब कोई आयुक्त का ऐसा ये आदेश आया है, क्योंकि इसके पहले भी कई आयुक्त हुए हैं और कई चुनाव हुए हैं, लेकिन कभी इस तरह का आदेश निकला नहीं है। हाँ, पत्रकार परिषद कौन लेगा उसका, महानगर पालिका ने एक हमें, इसके पहले भी हमने पत्र व्यवहार किया था तब महानगर पालिका ने हमें लिखित में दिया है कि पत्रकार कक्ष में यहाँ के गठन नेता, सभागृह नेता, उप महापौर, महापौर, आयुक्त, ये पत्रकार परिषद ले सकते हैं, इनके अलावा कोई पत्रकार परिषद पत्रकार कक्ष में नहीं ले सकता, क्योंकि पत्रकार कक्ष में कोई भी बाहर की संगठना हो या कोई भी यहाँ पे आके क्योंकि इसके पहले पत्रकार कक्ष में कोई दुरुपयोग या दुर्व्यवहार होते थे, इसके कारण महानगर पालिका के साथ व्यवहार किया था कि पत्रकार कक्ष में पत्रकार परिषद लेगा कौन, तो उसका एक क्राइटेरिया, उसका एक नियमावली बनाया था कि पत्रकार कक्ष में ये बनाया जाए, ये लोग पत्रकार परिषद ले सकते हैं, तो उसके लिए हम सहमत थे। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव का कारण देके जो ये रीजन लगाया गया है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से इसके पहले तो किसी आयुक्त ने या कोई चुनाव के टाइम ऐसा आदेश नहीं निकला था, इसलिए ये बिल्कुल तानाशाही। अभी इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि इसके पहले कोई भी चुनाव में किसी भी आयुक्त ने ऐसे आदेश नहीं निकाले थे, तो कोई वजह, कोई कारण रख के अगर ऐसे, या किसी पक्ष को या किसी इसको टारगेट रख के अगर ऐसे आदेश निकाले जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। वो प्रशासन अधिकारी भी गलत है और ये आदेश भी गलत है। अभी महानगर पालिका का चुनाव अभी तक तो डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से वार्ड रचना वगैरह जो चालू है वो तो कामकाज चालू ही है निवडणूक का। देखिए साबिर भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी महानगर पालिका, ये एक स्थानिक स्वराज्य संस्था होती है, और ये स्थानिक स्वराज्य संस्था जनता के पैसों से चलती है। जनता अपने टैक्स के रूप में महानगर पालिका को पैसा देती है और उसी पैसों से महानगर पालिका जनता को सेवाएं देती है, तो कहीं ना कहीं ये जो महानगर पालिका ये जनता की प्रॉपर्टी है, जनता की मालकी होती है। लेकिन जिस तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में प्रशासन कारोबार चला रहा है, तो एक तरह से एक हुकुमशाही जैसा माहौल बना के रखा है कि अगर जनता को अपनी आवाज उठानी है या अपनी बात रखनी है तो वो कहाँ जाएगा। प्रेस रूम ही एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर लोक प्रतिनिधि हो या किसी पार्टी के नेता हो
या फिर जनता कोई हो जिसको अपनी बात रखनी है तो वो प्रेस रूम में आके पत्रकारों के सामने अपनी बात रखते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने उस अधिकार से जनता को वंचित किया है, जो कि सरासर गलत है। दूसरी बात, महानगर पालिका आयुक्त का कहना है कि अभी आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव है, जिसके चलते हमने ये पाबंदी लगाई है। तो मैं आपको बता दूं कि इवन महानगर पालिका के चुनाव घोषित होने के बाद और आचार संहिता लगने के बाद भी इस प्रकार का आदेश नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पत्रकार परिषद लेना ये हर नागरिक का अपना अधिकार है और इस अधिकारी को किसी भी नियम के अंतर्गत आप रोक नहीं सकते। तो ये जो बहाना बनाया गया है कि महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए हमने ये पाबंदी लगाई है और चुनाव प्रक्रिया चालू है, इसके लिए हम कहीं ना कहीं प्रशासन अपने खिलाफ एक भी आरोप सुनना नहीं चाहते, प्रशासन अपने खिलाफ एक भी बात सुनना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ अपनी अच्छी बातें सुनना पसंद है और इसीलिए पत्रकारों को लोगों के सामने बात करने से रोका जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, कहीं ना कहीं हर एक अपने आप को एक असहज और असहाय महसूस हो कर रहा है, वो सोच रहे कि जाए तो किसके सामने जाए, कहाँ जाए, क्यों आवाज उठाए। अच्छा, कुछ लोग आवाज इसलिए नहीं उठा रहे कि उनके सब अपने अपने हित संबंध उसके अंदर फंसे हुए हैं, तो वो लोग आवाज उठा नहीं सकते क्योंकि उनको नुकसान हो जाएगा, और जो लोग आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जा रही है। तो यही वजह है कि कोई खुल के बोलना नहीं चाहता। लोक प्रतिनिधि का देखा जाए तो आज के तारीख में यहाँ पर लोक प्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए कि पत्रकार कक्ष ये जनता का मंच है और यहाँ पर आकर जनता अपनी बात रखे, अपनी जो भी समस्या है उस समस्या को रखे और पत्रकार उस समस्या को जनता के सामने उजागर करे, ये अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मौलिक अधिकार से जनता को वंचित किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है साबिर भाई कि ये एक तानाशाही चल रही है, मैं कहूं सो कायदा, ऐसा यहाँ पर ये प्रशासन काम कर रहे हैं। मैं बताता हूं, अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लेना होता है तो सबसे पहले ये निर्णय महासभा में रखा जाना चाहिए, उस पर बहुमत से चर्चा होनी चाहिए और फिर वो निर्णय पास करने के बाद ऐसा कोई निर्णय लिया जा सकता है, ये महासभा का अधिकार है। अगर मान लो महासभा में अगर ऐसा कोई निर्णय पास भी होता है और वो जनता के खिलाफ होता है तो आयुक्त उस निर्णय को खंडित करने के लिए राज्य शासन के पास भेजते हैं, ये आयुक्त का अधिकार है। लेकिन यहाँ तो आयुक्त ही इस प्रकार का निर्णय ले ले तो उल्टा कानून यहाँ पर लागू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये या ऐसा हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है, ये मैं कहूंगा। ये थे मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले कुछ पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार है। हम और भी पत्रकारों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मनपा प्रशासन के इस निर्णय को सभी पत्रकारों ने एक तरह से तानाशाही ही माना है। मनपा आयुक्त के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जमीनी स्तर पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मनपा आयुक्त की तानाशाही धड़ल्ले से चल रही है। मनपा आयुक्त के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ में ना तो स्थानीय नेता कुछ बोल पा रहे हैं, ना यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और ना ही अब आम जनता। आम जनता को तो एक तरह से पीस कर रख दिया गया है, उनका ये भी हक छीन लिया गया है। महिला बाल कल्याण समिति में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए युवक कांग्रेस के दीप काकड़े ने जो पत्रकार परिषद लेने का ऐलान किया था, उसी को बहाना बनाया है मनपा प्रशासन ने, ताकि पत्रकारों पर भी एक तरह से लगाम लगाई जा सके। आप सबको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि किसी मनपा प्रशासन या किसी मनपा आयुक्त ने पत्रकारों पर नकेल कसी है, पत्रकारों पर लगाम लगाई है, अपना तानाशाही थोपी है। अब देखना है कि क्या पत्रकार मनपा प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ में एक साथ खड़े हो पाते हैं या नहीं। और वही दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक आम नागरिक या एक आम आदमी जो हर कहीं दरवाजे पर जाकर जब उसे न्याय नहीं मिलता है तब कहीं जाकर वो मीडिया के सामने आता है, पत्रकार के सामने आता है, लेकिन यहाँ पर तो हालत ये बनी है कि अब पत्रकार उसकी आवाज नहीं उठा पाएगा, पत्रकार का ही यहाँ पर गला घोटने का काम मनपा आयुक्त तो दिलीप भोले द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड, मीरा भाईंदर, धन्यवाद।